सिंगरौली में प्रतिबंधित गांजे के पेड़ उगाने वाले आरोपी रघुनाथ सिंह गोड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अरहर के खेत में गांजे की खेती कर रहा था। अवैध गांजे की कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। सरही थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी ने बताया कि रघुनाथ सिंह ने अपने अरहर की फसल के बीच प्रतिबंधित गांजे की खेती कर रखी थी और वह क्षेत्र में गांजा बेच रहा था। पुलिस टीम के साथ रेड की कार्रवाई की गई तो हरे गांजे के करीब 30 पेड़ खेत में मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त किए गए गांजे का वजन लगभग 16 किलोग्राम है। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 6 फीट से लेकर 14 फीट तक थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पूरे जिले भर में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों के धरपकड़ के संबंध में। और इसी अभियान के तहत तानाशाही क्षेत्र में भी मुखबिर सक्रिय किए गए थे। मुखबिर की सूचना मिली थी कि गजरा बहरा के पास एक आदमी अपने घर से लगे अरहर के खेत में गांजा की खेती किया हुआ है और सूचना की तस्दीक कर थाने से सशक्त टीम बनाई जा करके रेड कार्रवाई कराई गई। तो मौके पे रघुनाथ पिता जगजीवन सिंह 24 साल निवासी लगड़ा वगैरह का व्यक्ति था, जो अपने घर के बगल से लगे अरहर के खेत में गांजा की खेती किए हुए था। करीब 30 पेड़ गांजे के बरामद किए गए हैं। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली। बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। इस साल जहां एक ओर प्रदेश में बंपर फसल हुई, वहीं दूसरी ओर देश में लॉकडाउन लग गया, पर फिर भी प्रदेश का किसान संतुष्ट है। वो केवल इसलिए कि अब शिवराज सरकार है। कोई और सरकार होती तो अब तक खलिहानों में पड़ा गेहूं सड़ गया होता। पर शिवराज मामा ने कहा था, एक एक दाना गेहूं सरकार खरीदेगी। इस बार हमारे मध्य प्रदेश ने पूरे देश में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है और मेरे खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी आ चुकी है। अरे किशन भैया, कहाँ चल दिए बंठन के? बिटिया का लगन है, बाजार जा रहे हैं। कठिनाइयाँ जितनी ज्यादा बढ़ती उससे ज्यादा सरकार आगे बढ़ती। हमेशा भरोसा रहता है कि एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।